CAA अभी काफ़ी चर्चा में है। हम इसे आसान से शब्दों में जानते हैं कि CAA है क्या, यानी नागरिकता संशोधन कानून। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। CAA में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA के नियमों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ यह कानून देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA साल 2019 में दिसंबर के महीने में पारित किया गया था और उसके बाद इस कानून को देश के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले नागरिकता कानून में 6 बार संशोधन किया गया है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में।